बहुत लूकी के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे तो आप आइकन और बटन या आपके डिस्क्रिप्शन से जाकर के देख सकते हैं। वो दोनों के एपिसोड देखने के बाद अगर आप यहाँ पर वापस आ चुके हैं तो चलिए इस एपिसोड को आगे शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है निशा से, जो कि इस वक्त हाइड्रा एजेंट्स को फॉलो कर रही होती है और कॉल पर भी बात कर रही होती है कि हाइड्रा एजेंट्स को किस तरीके से एक मीडियम फैसिलिटी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और उनके पीछा करते हुए वो देखती है कि उसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की एक्सीडेंट हो जाती है, जिस कारण से सारे के सारे हाइड्रा एजेंट्स की वहीं पर मौत हो जाती है। और निशा जब वहाँ पास जाकर के देखती है तो वहाँ पर उसे देखती है एंजिला की परछाई को। और अब हम वहाँ से देखते हैं सीधे न्यूज़ चैनल पर, जहाँ पर ये इस वक्त ये सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा होता है। और इसी वक्त लाइबेरिया में कुछ लोग अपनी वैन के साथ एंटर करते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी को पार करने के बाद वो दोनों बात कर रहे होते कि उन्हें लग रहा था कि अब तो ये हमें मार ही देंगे यहाँ पर, लेकिन जो दूसरा ड्राइवर होता है वो कहता है कि हमें यहाँ पर इतनी जल्दी मरने के लिए तो आना नहीं था, और वैसे भी हम वापस जब जाएंगे तो हम कई सारे वेपन के साथ जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अभी हम देखते हैं कि लोकी इस वक्त एक स्टैंड डिबेट को अटेंड करने के लिए आया हुआ होता है, जिसमें प्रेसिडेंट के बाकी 2 कैंडिडेट्स भी होते हैं। वहाँ की एंकर इन्हें लेटवेरिया पर बात करने को कहती है, क्योंकि इस वक्त लेटवेरिया में डॉक्टर अदूम अपनी गड्डी से हट चुका था। और यहाँ पर सिंपली कहा जा सकता है कि लेटवेरिया एक पूरी तरीके से वॉर जोन बन चुका था। उनमें से एक कैंडिडेट कहती है कि लेटवेरिया में हमारे ट्रूप्स भेजने चाहिए, और दूसरा कैंडिडेट भी उससे सहमत होता है। पर लोकी कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर अपने कोई भी किसी भी तरीके की बटालियन सैनिकों या फिर अपने कोई भी और आर्मीज को भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है और उस फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और मेरे साथ डॉक्टर डूम था और साथ ही में हम दोनों ईविल थे, तो आप कुछ भी कर लीजिए। लेटवेरिया का डॉक्टर डूम सबसे ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि हमने उनके लिए बार बार खतरे खड़े करते रहे और इस कारण से वो पावर से इकट्ठा करता रहा। तब क्या होगा जब हम उसके लिए कोई खतरा ही ना बने, तो हम उसे छोड़ दें उसकी हालत पर, तो यही सही रहेगा। और इस बारे में इतना ज़्यादा श्योर क्यों हूँ, क्योंकि मैं हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन जैसे हीरोज़ के साथ लड़ता आया हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं गलत तो नहीं हूँ इस बात पर। और इसके बाद वो दोनों कैंडिडेट लोकी के ऊपर भड़क जाते हैं स्काइप मीटिंग को लेकर के, जो कि उसके एड में उसने कहा था, और लोकी उन्हें एक बार में ही क्लियर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निशा इस वक्त लेटवेरिया के एक ग्रुप के में मिल करके डूम के कैसल के अंदर जा रही होती है, पर तभी वहाँ पर लेटवेरियन सोल्जर्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। और इसी के साथ वहाँ पर लोकी भी आ जाता है और वो उन पर एक बॉम्ब गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन निशा उसे जाते हुए रिकॉर्ड कर लेती है, और जब वो उसे पोस्ट करती है तो सारे न्यूज़ चैनल में यही बात चल रही होती है कि लोकी पूरी तरीके से विजिलेंटी बन चुके हैं, और जो कुछ घंटों पहले उसने अपना बयान दिया था वो बिल्कुल उसके उलट काम कर रहे हैं। तो आप कैसे इस पर यकीन कर सकते हो? निशा के बाजू में बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स भी यही सोच रहे होते कि मैं तो इसे वोट देने वाले हूँ नहीं, उन दोनों कैंडिडेट्स में से किसी एक को ही दे दूँ, क्योंकि इससे बड़ा झूठा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निशा इस वक्त वापस अमेरिका के एयरपोर्ट में आ चुकी है, और इस वक्त पूरा का पूरा सीन ही बदल चुका है। लोकी अपना बयान दे चुका है कि उसने सब कुछ किया ताकि वो अपनी आर्मी के लोगों को किसी भी हालत में बचा सके, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए। और इसी के साथ लोकी फिर से ट्रेंड करने लगा था, और यहाँ पर लोग भी सोच रहे होते कि मीडिया हर एक कोशिश कर रही है लोकी को नीचे गिराने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। और अब इस कारण से मेरा वोट तो लोकी को ही जाने वाला है। अब निशा भी ये देख दुखी करके हार मान ही रही होती है। इलेक्शन में अब बस 5 ही दिन बचे हुए होते हैं। निशा को उसकी मॉम का कॉल आता है, और इस पर लाइव टीवी पर लोकी भी कईयों से बात कर रहा होता है, एक रैली को वो संबोधित कर रहा होता है। निशा अपनी माँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी अब लोकी को सपोर्ट करने लगी थी। वहीं हम देखते हैं लोकी के पास एक म्यूटेंट आता है, लेकिन उसे एंजेला पूरी तरीके से बचा लेती है, और एंजेला लोकी इस बात को सीक्रेटली बात कर रही होती है, और पूरी की पूरी न्यूज़ मीडिया उसी चीज़ को कवर कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस वक्त निशा को एक फोन आता है, जिसके बाद वो कुछ देर बाद एक बंद पड़े वेयर हाउस के अंदर जाती है, जहाँ पर लेडी थॉर और एंजेला उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इसी के साथ निशा और एंजेला थॉर मिलकर के ये तय करते हैं कि किस तरीके से उन्हें किसी भी हाल में लोकी को प्रेसिडेंट नहीं बनाना है। और इसके लिए एंजेला निशा से डील करती है कि अब उसे उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो उसके हाइड्रा एजेंट के बारे में लोकी ने यूज़ की थी, उन्हें उस डिबेट के अंदर ला करके और उन्हें बाद में मार करके। एंजेला डेविली ब्यूगल के
लाइफ टाइम कार्ड का बदले इस इन्फॉर्मेशन को उन दोनों को दे देती है। अगले सीन में लोकी ने हाइड्रा अटैक को फेक किया था, इस वाले न्यूज को हम देखते हैं अगले ही दिन में। इसी के साथ पूरी की पूरी रैली लोकी के खिलाफ हो जाती है। लोकी से वो पूछ रहे होते हैं कि तुम अब भी यहाँ के सबसे बड़े सुपर विलन हो, तुमने हमेशा हमसे झूठी कहा है, तुम कभी भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश तक नहीं करते। पर लोकी कहता है अरे मैंने ये तो कभी नहीं कहा था ना, मैं उन हाइड्रा एजेंट्स को कभी भी इवेंट में नहीं लाऊंगा। तभी कुछ और कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से इवेल हो। इसी के साथ लोकी के सपोर्टर्स और लोकी के नॉन सपोर्टर्स के बीच में ही झड़प शुरू हो जाती है। इलेक्शन में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। इस वक्त पूरे के पूरे वाशिंगटन डीसी की असेंबली आदि बर्बाद हो चुकी थी, वो वोट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर पूरे का पूरा स्टॉक मार्केट भी क्रैक हो चुका था। लोकी के सपोर्टर्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इलेक्शन में सिर्फ 1 दिन बचे और इस वक्त पूरे कंट्री में केओस फैला हुआ था। निशा के अपार्टमेंट है, इस वक्त लोकी आता है और लोकी निशा से कहता है कि ये सब मैं कभी नहीं चाहता था, मैं बस अब सब कुछ अच्छा करना चाहता था, ये मेरी स्टोरीज थी, मैं अब गॉड ऑफ मिस्चिफ नहीं हूँ, मैं अब गॉड ऑफ स्टोरीज हूँ और ये मेरी स्टोरी है, मैं इसे खराब होने नहीं दे सकता, मैं इस देश में वायलेंस और दर्द दम पर अपना ऑफिस पाना नहीं चाहता। तब निशा से कहती है तो तुम करना क्या चाहते हो, मैं क्या तुम्हारे ऊपर फिर से कुछ लिखूं और तुम उसे फिर से ट्विस्ट कर दो। तब लोकी कहता है हम इसे लाइव करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग अमेरिका, मैं हूँ लोकी और मैं आपके प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए इस वक्त रनिंग कर रहा हूँ। तो लोकी निशा को कहता है कि मिस कॉन्ट्रेस, तो चलिए आप पूछें मुझसे कि आपको कौन से सवाल पूछने हैं। पर इस वक्त निशा मना कर देती है और वो कहती है तुम हर एक इंटरेक्शन हमारे बीच जो हुआ है उसे तुम अपने एजेंडा में यूज़ कर लेते हो, इसी के साथ तुम उन्हें आराम से मैनिपुलेट कर लेते हो जो कि तुम्हें ही फायदा दे। तब लोकी कहते हैं हाँ नहीं मैं कुछ ऐसा करता हूँ। तब निशा आगे कहती है हाँ मैं जानती हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मैं तुमसे यहाँ पर क्या बात करने वाली, तो क्यों ना तुम यहाँ पर आए हुए रैली में से लोगों से तुम क्वेश्चन पूछो, अपने सपोर्टर्स को मिलो लोकी। तब लोकी उनमें से किसी को भी आगे आकर के सिंपली कहने को बोलता है जो कि उसकी बेइज्जती यहाँ पर ना करे। तो उनमें से एक आगे आता है और उसे कहता है मिस्टर लोकी मैंने आज तक कभी वोट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि डेमोक्रेटिव और रिपब्लिकन एक जैसे ही होते हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तब लोकी कहता है ओह तो तुम पहली बार वोट कर रहे हो, वो भी मेरे लिए, आई एम ऑनर टू यू, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तो क्या तुम सच में मैरीलैंड में पैदा हुए। तब लोकी कहते हैं इस बात के जवाब में मैं तुम्हें कोर्ट में ही देना चाहूँगा। तो अगले आने वाले कुछ सवालों में लोकी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग उन्हें साइड चूज करने के लिए बोल रहे होते हैं, कुछ मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर बोल रहे होते हैं, उसको कुछ परेशान करने वाले भी होते हैं और इसी के साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि तुम इनह्यूमन्स म्यूटेंट्स और साथ ही में नॉर्मल ह्यूमंस की सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हो। और लोकी सिर्फ ये कह रहा होता है कि वो किसी न किसी तरीके से काम को कंप्लीट कर ही देगा और यही तो सच्चाई है, तभी तो वो उनसे बेहतर है जो उसके साथ ऑफिस के लिए रन कर रहे हैं। वो उनसे बेहतर इसलिए है क्योंकि वो कहीं झूठ दिखाने नहीं चाहता, उनसे बेहतर इसलिए है कि वो किसी को भी किसी भी तरीके से लॉस्ट फील करवाना नहीं चाहता, वो अमेरिका को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहता है, ना कि इसलिए क्योंकि उसके कुछ सपोर्टर्स खास करके हैं, कुछ उसके नॉन सपोर्टर्स हैं, वो अमेरिका को सपोर्ट करना चाहता है, वो अमेरिका को दिखाना चाहता है, वो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। पर लोग इस बारे में नहीं मानते और लोग उसे कहने लगते हैं कि ये पागल हो चुका है, लगता है किसी तरीके से इन्हें परेशान कर दिया, ये वो लोकी नहीं है जिसके बारे में हम जानना चाहते थे। पर लोकी इस वक्त लाइव टीवी पर ही काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं उनकी क्वेश्चन से और इसी के साथ वो सिंपली लाइव टीवी पर सबको धमकी देता है कि तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मुझे ही वोट करना पड़ेगा। इडियट्स, और इलेक्शन के दिन काफ़ी कुछ बदल चुके हैं, लोकी के जहाँ पर वोट सबसे ज़्यादा आने की बातें हो रही थी वहाँ पर भी लोकी काफ़ी कम हो जाता है, ये बात सभी के सभी और देख रहे होते हैं। एंजेला जहाँ इस वक्त वो रॉकेट और ग्रूट के साथ होती है वो बिल्कुल मजे में हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर इस वक्त निशा जेजोन जेनसन को फोन करके उसे कांग्रेस कहती है क्योंकि उसने ही सबसे पहले लोकी को क्रिटिसाइज किया उसके बाद निशा ने। तो इसी के साथ निशा के पास लोकी आता है, उसे कहता है मैं तुम्हारे काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ ऐसे, लेकिन तुम जानती हो ये सारा कुछ मेरे काम के लायक तो था नहीं, पर कुछ भी कहो इससे मुझे नए वैल्यूज होप और आइडियाज मिले हैं जिससे मैं कुछ और बड़ा कर सकूँ, बाय निशा। और ये कह करके वहाँ चला जाता है, निशा भी उसे बाय कहती है। लोकी हवा में चलते हुए कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ इसे मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला है, लेकिन खैर मिला भी है पर कुछ भी बोलो मैं कौन सा गॉड ऑफ मोरल्स हूँ, और हाँ जहाँ तक मुझे याद है मुझे कॉल करना है।
हाँ मैं लोकी हूँ। वैसे तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे टीवी शो पर आना था, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ खास टीवी रेटिंग तो चल नहीं रही है, तो आ जाता हूँ मैं। और वैसे भी हम दोनों जानते हैं कि हम वोट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं और साथ ही कुछ मज़ेदार कर सकते हैं। तुम्हारे पास मेरा पूरा ग्रेटिट्यूड है कांग्रेस, पहले से ही मैं कंसिडर करता हूँ तुम्हें। और यहाँ पर हमारी ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको लोकी 2019 के फर्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।